राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हमीर उत्सव के बजट के लिए प्रशासन ने जबरन पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इस बार पहली बार स्कूल कॉलेजों को भी जिला प्रशासन ने अछूता नहीं छोड़ा है, जिसके चलते हमीरपुर डिग्री कॉलेज में फीस जमा करवाने वाले छात्रों को भी जबरन 10 से 20 रूपये की पर्ची थमाई जा रही है, जिससे कॉलेज छात्रों में गहरा रोष पनपा हुआ है। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि फीस जमा करवाने के एवज में 10 से 20 रुपए की पर्ची काटी जा रही है और पर्ची पर किसी का नाम तक नहीं लिखा जा रहा है। छात्रों ने बताया कि हमीर उत्सव के नाम पर मनमानी पर्ची काटी जा रही है, जबकि छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। फाइन जमा करवा रहे हैं काउंटर के ऊपर, तो उनके साथ साथ 20 रुपए की पर्ची उनकी काटी जा रही है हमीर फेस्टिवल के नाम पे, और उसके साथ साथ ना तो उस पर्ची के ऊपर सर उनका नाम एंटर किया जा रहा है, ना कुछ, सिर्फ और पैसे लिए जा रहे हैं और पर्ची काट के उनके हाथ में दी जा रही है, और ना उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस लिए है, क्यों है, और ना ही सर उसके ऊपर नाम एंटर किया जा रहा है किसी भी स्टूडेंट का। पिछली बार भी सर कुछ ऐसा हुआ था, इसके बाद भी हमने सर प्रिंसिपल साहब से बात रखी थी, तो सर उन्होंने फिर जब बच्चों की अगले जो कुछ बच्चे रह गए थे उनके फाइन, उनकी जो पर्चियाँ आई तो उनमें सर उनके नाम आए थे। अभी हम इसके ऊपर सर से बात नहीं की, अगर हम बात करते हैं तो सर वो भी सकता नहीं, हमें अभी इसके ऊपर कोई पता नहीं है, जानकारी नहीं अभी, लेकिन बच्चों का हम ये कहना है कि जो पर्चियां आ रही हैं उनसे 20 रुपए लिए जा रहे हैं और उनके बारे में बताया नहीं जा रहा है किसके ऊपर पर्ची है, क्यों है, और ना ऊपर उनके ऊपर नाम आ रहा है। मैंने अपना फाइन जमा करवाया, उसके साथ ही मेरे को वो पर्ची मिली और उस पर मेरा कोई नाम नहीं था और 20 रुपए की पर्ची है वो। वहीं छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन को चेताया है कि अगर पर्चियां काटना बंद न किया तो छात्र संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने बताया कि फाइन को जमा करवाने के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपए पर्ची के नाम पर लिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय हमीर उत्सव इस बार 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बाल स्कूल खेल मैदान में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने बजट पूरा करने के लिए विभागों से हमीर उत्सव की पर्चियां काटने के लिए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पहली बार शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों से पर्चियां काटकर गुराही किए जाने पर छात्र वर्ग ने गहरा रोष जताया है। सभी बच्चे अपने फाइन या फीस जमा करवाने जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक हमीर उत्सव है जिसके दौरान यहां पर कॉलेज में 10-10 रुपए की जो पर्चियां काटी जा रही हैं। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रधानाचार्य महोदय से इस विषय में बात की तो प्रिंसिपल सर ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बताया कि यह पर्चियां हमीरपुर प्रशासन की ओर से कॉलेज को दी गई हैं, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया है, किसी भी कॉलेज सभी कॉलेजों को दी गई है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतनी पर्चियां काटनी है, तो यह पर्चियां हमीरपुर कॉलेज में भी हमीरपुर के प्रशासन ने स्कूल कॉलेज प्रशासन को दी हैं, जो कि काटी जा रही हैं। यह पर्चियां हमीरपुर में जो हमीर उत्सव है उसके लिए दी गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि वह इस पर्चियों को बांटने के कार्य को जल्द से जल्द बंद करें। अगले मतलब कुछ दिनों के बाद छठे और चौथे सेमेस्टर की एडमिशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, जिसमें अगर पुनः इन पर्चियों को छात्रों को बांटा गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगा हमीरपुर प्रशासन के खिलाफ, और सरकार भी इस उग्र आंदोलन के लिए तैयार है अगर ये पर्चियां बंद नहीं की गई। विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में इस जो 10-10 रुपए की पर्चियां काटी जा रही हैं इनकी निंदा करता है। फाइन के साथ पर्ची काटते हैं, ये कई बार ये 10 रुपए की पर्ची काटते हैं, 20 रुपए की पर्ची काटते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ की पर्ची काटते हैं। हमीर उत्सव की पर्ची काटते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं है ना। और एक बात और, एक जो ये फाइन लेते हैं, जो ये जुर्माना लेते हैं, उसका उसकी जो है वो हमें कोई डिटेल नहीं होती है, पूरी डिटेल नहीं होती है, इसलिए जो हम अगर हम फाइन, हमें नहीं पता होता है कि हमें कितना फाइन पड़ा है, 10 रुपए पड़ा है, 20 रुपए पड़ा है, 30 रुपए पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि जो ये फाइन की लिस्ट लगाएं पहले तरीके से, पहले लिस्ट लगनी चाहिए कि हमें कितना फाइन पड़ा है, इस प्रकार बच्चे अपना फाइन सुनिश्चित करके उतने पैसे घर से लेके आएं। और दूसरी ये जो पर्चियों की बात है, ये मैं नहीं मानता कि ये बहुत तक सही है, ये मतलब बंद होनी चाहिए।